नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की हाथ बड़ी खबरें। सुशील तिवारी पम्मी कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? वार्ड नंबर 24 लालपुर। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि अन्य राजनीतिक विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाते हुए कह रही है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महंगाई बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से बेरोजगारी बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महिला उत्पीड़न हो रहा है और जिसके वजह से धरना प्रदर्शन और साइकिल रैली निकाल रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमको लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका मानसिक दिवालियापन हो गया और वो लोग, उनके पास मुद्दा है नहीं, शायद उनकी सोच घट गई है। इन्होंने ये नहीं देखा कि कोरोना काल से 2 साल से पूरा हमारा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व झेल रहा था और इस तरह की तंगी जब अमेरिका जैसे देशों में देखी गई तो हमारे लगता कि ये मूर्खता की निशानी है। ये विपक्षी पार्टियां अपना मानसिक खोखलापन साबित कर रही हैं क्योंकि उनका बचा नहीं है, कभी साइकिल से दौड़ने लगते हैं, कभी किसानों को भड़काते हैं, यही सब योजना है। और नौजवानों को भी रोजगार सब मिल रहा है, हम लोगों को तो रोजगार इसलिए अपने आप के खुद के पैदा करने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करें कि बहुत से लोगों को सब कुछ सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए देश के निर्माण के लिए पार्टियां सोचें कि क्या उनको सुझाव दे सकते हैं। वो हल्ला मचाना और अपना चुनाव के लिए लोगों को भ्रमित करके अपने पाले में लाना, ये उनकी योजना है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसी योजना को मानता हूँ कि भ्रम फैलाने में वो लोग तेज हैं। और आज ये जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए योगी मोदी जी ने घर घर गांवों में गैस के चूल्हे दिए उज्ज्वला योजना के तहत, तो बेटियों के लिए सुकन्या धन योजना भी चल रही है कि और लड़कियों की स्किल डेवलप करने के लिए जितना ध्यान हमारे मोदी जी और योगी जी रख रहे हैं शायद ही इससे पहले किसी सरकार ने चिंता की। जैसा कि अन्य राजनीतिक पार्टियां भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि कोरोना महामारी की जानकारी एक वर्ष पहले से नरेंद्र मोदी को थी, लेकिन उनकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। पहली लहर आई, काफ़ी सारी मौतें हो गई, फिर उसके बाद दूसरी लहर आई तो इतनी ज़्यादा मौतें हुई, शमशान घाट में जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, मशीनों में भी तादाद में लाशें पड़ी हुई थी, उसके बाद पानी में नदियों में बहाया गया, फेंका गया, कुत्ते नोच के लाशों को खा रहे थे। अब जो कि तीसरी लहर आने वाली है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसा कि अन्य राजनीतिक पार्टियाँ कह रही हैं? मैं इस विषय में यह कहना चाहूँगा, मोदी जी को आरोपित करने के पहले जो अपोजिट पार्टियां हैं उनको हमने अंतर्वन में झांकना होगा और जो मीडिया बहुत सजग प्रहरी है उसको भी अपने मन के अंदर झांकना होगा। ठीक है कि मोदी जी को लोग कह रहे हैं कि उनको पता था, तो उस समय मीडिया क्या कर रही थी, उस समय हमारे भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े नेता जो अपोजिट में वो क्या कर रहे थे, बताते कि मोदी ये चीज में क्यों। आज मोदी जी को इस चीज़ का आभास हुआ कि कोरोना नामक बीमारी भारतवर्ष में आ रही है, कोई भी हमारे पास ऐसा साधन नहीं था कि उसके बचाव के लिए हम घूम सकें। मोदी जी ने पहले हम लोगों ने मास्क सैनिटाइजर और इसकी व्यवस्था उन्होंने की और उसके बाद लॉकडाउन करके, लेकिन विपक्षियों ने सहयोग नहीं किया, पब्लिक को भड़काने में जुट गए, जो कि बेचारे जो दैनिक मजदूरी करके खाते थे, चाहे वो महाराष्ट्र में रहते हो चाहे और जो भी, उन सब लोगों को भगदड़ मचा दी। और एक परिवहन में भी लोड आ गया, लोग पैदल चले और उस श्रेणी में एक लड़की को भी देखा हो कि अपने पिता को वो अकेले लेके आई, पिता को अपने लेके आई
उसकी सराहना देश भर में हुई। मोदी जी ने जिस तरीके से देश को संभाला और जिस तरीके से कोवैक्सीन और कोविड वैक्सीन इतनी जल्दी आई है, शायद अन्य देशों में जो आबादी 2 करोड़ की होगी वो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, यहाँ 63 करोड़ 64 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। ऐसे में विपक्षी दल को ये सोचना चाहिए, उनकी पहले भी सरकारें थी, कौन से टीके का निर्माण करा लिया, आज वो टीका की बात करते हैं। उनको गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम आज विश्व में पताका बन के लहरा रहा है हिंदुस्तान। यही ऐसे लोगों ने ही देश को गर्त में डाल दिया है, ऐसे ही लोगों ने जो हमारे पत्रकार बंधु थे, कुछ टीवी चैनल, मैं उनके विषय में नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने सिर्फ लाशें दिखाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उससे पहले क्यों नहीं कहा कि पब्लिक सजग हो जाए, पब्लिक मास्क लगाए, तब तो वो अपने वहाँ बैठे थे चैनलों में, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सी खबर मैं छापूंगा उससे हमको धनोपार्जन होगा, उसके अलावा उन्होंने खुद ने दिखाया। समाज को सजग तब किया जब समाज में लोगों को एकदम सही चीज़ की ज़रूरत पड़ी। और इकट्ठा अगर 20 आदमी आपके घर में आ जाए तो क्या इकट्ठा भोजन कोई दे पाएगा, उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी तरीके से मोदी और योगी जी ने जिस तरीके से सफलता के झंडे गाड़े हैं, और मैं कहता हूँ दावे के साथ, विपक्षी पार्टी की औकात नहीं थी कि ऐसे जो महामारी थी उसमें उस तरीके का यह कंट्रोल कर पाते। मैं आप लोगों के माध्यम से मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश की जनता के साथ पिता की तरह खड़े रहे हैं, वो हम लोगों के लिए सौभाग्य है। मोदी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक विश्व पटल में चमकाया है कि भारतवर्ष का जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, कैसे वो लोग अपनी जनता की सेवा कर सकते हैं। वो एक नेता के रूप में नहीं, एक भारतवर्ष में सेवक के रूप में है। आज जनता इसीलिए मस्त है, और तालिबान जैसी जो हरकतें हो रही हैं वो पस्त भी हैं। और सरकारों को सोचना चाहिए कि अभी भी हम अनुरोध कर रहे हैं अपनी ही सरकारों से कि जो तालिबानी संस्कृत जो लोग भी पाल रहे हैं वो भारतवर्ष के हितैषी नहीं है। अगर वो तालिबान या पाकिस्तान की बात करते तो वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएँ, वहाँ जाएँ, कम से कम देखें तो कि तालिबान में क्या हो रहा है, कैसे वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। ऐसे में लोगों को साथ में आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र की बात करनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को भी रहा हूँ। जैसा कि सर हमारे लखनऊ के जो महापौर है सईद कहाटिया, तो हमारी स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत हुई तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे लखनऊ में 110 वार्ड हैं और हर वार्ड के पार्षदों को 1,25,00,000 रुपये वार्ड विकास निधि देते हैं निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के, उसमें स्थापना निधि भी देते हैं, 14वां वित्त जो 15वें वित्त में परिवर्तन हो गया वो भी देते हैं, और जनरल हेड भी देते हैं। तो इस साल की बाढ़ विकास निधि से आपने कौन से विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण कराए हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। अभी तक हमारी वार्ड विकास निधि मिली है 15वां वित्त हो गया, अभी उसका पैसा आना बाकी है, वो कब आएगा कैसे आएगा इसकी जानकारी मैं लूँगा। अगर महापौर जी ने कहा है तो सत्य है कि वो आएगा जरूर। और हम लोग जो पैसा मिला है उसमें हम लोग अपने वार्ड में कहीं भी कोई गली हम छोड़ नहीं रहे, जिसमें हम वोट मांगने गए थे, जहाँ मिला या नहीं मिला वो सब मेरे लिए बराबर है, और उसको देख करके हम लोग काम कर रहे हैं। और अब तक हमारे अधिकारियों और सबकी सहयोग से हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी, लगभग हम 7 मिनी ट्यूबवेल अब तक लगा चुके हैं, एक बड़ा बोरवेल, पानी की भी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है क्योंकि लेवल गिरता जा रहा है।